नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी YouTube चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड रायपुर CG व्यापम परीक्षा मंडी निरीक्षक एवं उप निरीक्षक परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड को जारी कर दिया गया है। तो मंडी निरीक्षक और उप निरीक्षक के लिए एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने का प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा एवं छत्तीसगढ़ व्यापम के द्वारा जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में मैं आपको बताऊँगा। परीक्षा के पहले आपको इस नोटिफिकेशन के बारे में एक बार जान लेना जरूरी है, क्योंकि इसके बारे में यदि आप नहीं जानते तो आप परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित रह सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहां पर देखिए मंडी निरीक्षक एवं उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 के प्रवेश पत्र जारी करने के संबंध में यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड रायपुर के प्रस्ताव पर मंडी निरीक्षक एवं उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 दिनांक 28 नवंबर 2021 दिन रविवार को पूर्वाह्न 10 बजे से 1:15 तक किया जाएगा। दोस्तों, प्रवेश पत्र CG व्यापम की वेबसाइट vyapam.cgstate.gov.in में दिनांक 19/11/2021 से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है उसी से आप अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, परीक्षा दिनांक में परीक्षार्थी को 1.5 घंटे पहले परीक्षा केंद्र में उपस्थित होना अनिवार्य है और साथ में आपको अपना पहचान पत्र ले जाना अनिवार्य है, अन्यथा आपको परीक्षा हॉल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, यदि आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं और उसमें आपका फ़ोटो नहीं आता है तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आपको परीक्षा केंद्र में 2 रंगीन फ़ोटो पासपोर्ट साइज का लेकर जाना होगा, जिसमें आपको प्रवेश मिल जाएगा। दोस्तों, एडमिट कार्ड को डाक के माध्यम से आपके पास नहीं भेजा जाएगा, आपको केवल ऑनलाइन एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना है। परीक्षा के 15 दिन पहले से ही आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड करके रखें, क्योंकि आपको परीक्षा की संपूर्ण जानकारी आपके एडमिट कार्ड में मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आप एग्जाम दिलाने जाते हैं तो आपको एक पहचान पत्र साथ में ले जाना अनिवार्य है, जिसमें आपका रंगीन फोटो होना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, विद्यालय का फोटोयुक्त परिचय पत्र। यदि आपके पास फोटोयुक्त मार्कशीट है तो आप उसे भी ले जा सकते हैं। तो यदि आपके पास किसी भी प्रकार का कोई पहचान पत्र उपस्थित नहीं रहता तो आपको परीक्षा दिलाने से वंचित किया जा सकता है। दोस्तों, यहां पर कोविड-19 महामारी के बचाव के लिए निर्देश दिए गए हैं, जिनका आपको पालन करना अनिवार्य है। इसे डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप क्लिक करके डायरेक्ट इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आप जानते हैं कि अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कैसे किया जाता है। दोस्तों, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए vyapam.cgstate.gov.in के ऑफिशियल वेबसाइट को हमें ओपन कर लेना है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर नीचे हमें स्क्रॉल करके देखना है। यहाँ पर 3rd नंबर में देखिए एडमिट कार्ड का ग्रीन कलर का बटन है, तो यहाँ पर हमें जस्ट क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर नीचे हमें स्क्रॉल करके देखना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एडमिट कार्ड ऑफ मंडी निरीक्षक एवं उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021, तो यहाँ पर जस्ट हमें क्लिक करना है। दोस्तों, इसके बाद हमारे पास नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहला ऑप्शन में दिया गया है रजिस्ट्रेशन ID। तो मंडी निरीक्षक एवं उप निरीक्षक में अपना फॉर्म अप्लाई करते समय आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, उसी रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पर आपको फिलअप करना है। इसके बाद दोस्तों, नीचे में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ इंटर करना है। जैसे कि दोस्तों, यहाँ पर एग्ज़ाम के लिए फॉर्मेट दिया गया है, मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ 9 जून 1989 है, तो यहाँ पर आपको 09/06/1989 डायरेक्ट इस फॉर्म में आपको फिलअप करना है। दोस्तों, आपका डेट ऑफ बर्थ फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर जो कैप्चा दिया हुआ है, जो कि सर्वर के वजह से पूरी तरह से शो नहीं हो पा रहा है, तो आपको यहाँ पर जो कैप्चा दिया जाएगा उसको ऊपर में आपको फिल करना है। इसके बाद जस्ट लॉगिन वाले बटन में आपको क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों, आपका एडमिट कार्ड आपके सामने आ जाएगा, इसका आपको प्रिंट आउट ले लेना है। एडमिट कार्ड में आपका सभी डिटेल, एग्जाम सेंटर, एग्जाम का डेट, आपको सभी प्रकार का जानकारी मिल जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको मंडी निरीक्षक एवं उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 के लिए एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने का प्रोसेस बताया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।